हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम बात करने जा रहे हैं आज इतिहास पर। इतिहास क्या है, इतिहास का हम अध्ययन क्यों करते हैं, इतिहास जानने के साधन क्या हैं और इतिहास को किस किस तरह से पढ़ना पड़ता है। तो आज जो हमारी क्लास है यह प्रायः इतिहास जानने के साधनों पर है। पहले हम जानते हैं इतिहास क्या है, इतिहास के साधन क्या हैं, इतिहास की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, इस पर क्लास लेंगे आज। इतिहास 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 शब्द तीन शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास सब तीन शब्दों से मिलकर बना, पहला है इति, दूसरा है हत, तीसरा है आस, से मिलकर बना है। इति का अर्थ होता है ऐसा, इसका अर्थ होता है ऐसा, हा माने होता है निश्चित, आस माने हुआ या घटा। निश्चित रूप से ऐसा हुआ या घटा वह क्या है, इतिहास है। जिसका तात्पर्य यह है, यह निश्चित था ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टरी या हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है, इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। ये जो है क्या करते हैं, हिस्टोरिका हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखते हैं और हिस्टोरिका पुस्तक में ये पहली बार ये बताते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास शब्द का प्रयोग करने के कारण इतिहास का पिता कहा गया। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये तीन कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। इतिहास का एक और विभाजन है जिसमें प्रागैतिहास कहा गया, आदैतिहास कहा गया और फिर ऐतिहास कहा गया। ये तीन जो है इसके इतिहास के विभाजन हैं। ये जो है हम इतिहास के विकास क्रम के आधार पर इतिहास को जानते हैं। अध्ययन की सुविधा से हम इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर हम इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन पुरातत्वविद इसका अध्ययन जब करेगा, ऐतिहासिक, आदैतिहासिक और इतिहास के रूप में इसका अध्ययन करता है। तो पहला इतिहास हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, पहला नंबर क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा हम करते हैं, क्या है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्यतः दो स्रोत हैं। दूसरा, पहला है साहित्यिक स्रोत, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के साहित्य शामिल हैं। देशी साहित्य में होता है कि भारतीय लेखकों द्वारा, और विदेशी साहित्य का मतलब होता है विदेशी लेखकों द्वारा इसको लिखा गया। इसके बाद दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं, सिक्के, भवन, उपकरण आदि का अध्ययन इसमें करते हैं, अभिलेख भी है, अभिलेख, इन सब का हम अध्ययन कर करके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आता है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला स्रोत है धार्मिक साहित्य। पहला कौन है, धार्मिक साहित्य है। दूसरा कौन है, धार्मिक साहित्य को दो भागों में
दूसरा है धर्मेतर अथवा लौकिक साहित्य। पहला क्या है? धार्मिक साहित्य। दूसरा है धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ और साहित्य। ब्राह्मण ग्रंथ और साहित्य, गैर ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर साहित्य, इस दो भागों में इतिहास को बांटा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ थे जो प्रायः वैदिक पौराणिक ग्रंथों, वैदिक और पौराणिक ग्रंथों को ध्यान में लिखकर लिखे गए थे। कुछ ऐसे भी ग्रंथ थे जो गैर ब्राह्मण मतलब वैदिक कर्म कांडों के अतिरिक्त भी कुछ लेखन कार्य हुए थे, जिसमें बौद्ध जैन धर्म के ग्रंथों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब आता है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। इन स्रोतों को हम ग्राफ के द्वारा देखते हैं। इन स्रोतों को हम किसके द्वारा देखते हैं? ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। ग्राफ में किस तरह से बताया गया इसको, तो इसमें पहला भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में पहला क्या है? साहित्यिक स्रोत है आपका, और दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पहला और ये आपका दूसरा अलग अलग स्रोत है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। अब पुनः साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, वह धार्मिक साहित्य और दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि इसमें शामिल किए गए, और धार्मिक ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, रामायण आदि, ये जो है ब्राह्मण ग्रंथों में शामिल है। जबकि गैर ब्राह्मण ग्रंथों में जो है आपके शामिल होते हैं जैन, बौद्ध, धार्मिक ग्रंथ आदि। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों में। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, जैसे अशोक का अभिलेख, सिक्के, मौर्यों के सिक्के मतलब गुप्तों के सिक्के, स्मारक, भवन, मंदिर, मूर्तिकला, जैसे सिंधु सभ्यता की मूर्तिकला है, मुगल काल की है, इन सबको हम अध्ययन करते हैं। चित्रकला, चित्रकला का भी अध्ययन करते हैं। ये पूरे जो है आपके इतिहास जानने के प्रमुख साधन हैं। अब हम बात करते हैं, जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो आप देखते हैं कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्यों का महत्व क्यों अधिक है। ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन ग्रंथों से हम विभिन्न काल के राजाओं, उनकी उपलब्धियों, उनके काल की घटनाओं आदि का अध्ययन हम कर पाते हैं। तो इसमें प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन इतिहास की जानकारी है तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम ध्यान देते हैं वेद। वेद पहला है। वेद, वेदों की संख्या कितनी है? चार। वेद कितने हैं? चार वेद हैं। कितने वेद हैं? चार वेद हैं। और चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। फिर कौन है? यजुर्वेद। इसके बाद सामवेद। फिर अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है आर्यों के धार्मिक जीवन, सबसे प्राचीन जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद जो है प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। इससे जो है वेदों से हम जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद द्वारा जो ब्राह्मण साहित्य है ये सबसे प्राचीन है, और ब्राह्मण साहित्यों से ही हम प्राचीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाल पाते हैं। वेदों के संकलनकर्ता का नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है, जो वेदों के जो है क्या थे? रचयिता हैं। इन्होंने ही वेदों को लिखा है ऐसा मान लिया जाता है। वेदों की संख्या चार है। आपको बता दें अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि ने किया था। जो अथर्ववेद है इसकी रचना जो है अथर्वा एक ऋषि थे,
अथर्वा ऋषि ने किया था। किसने किया था? अथर्वा ऋषि ने किया था, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या है तो सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसमें लिखे गए? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है संहिताओं की व्याख्या हेतु गद्य में किया गया है। ब्राह्म का अर्थ है यज्ञ, ब्राह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ऐसे ग्रंथ जो यज्ञों का अध्ययन करते हैं वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। और जो इसका अध्ययन नहीं करते थे वे गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। जो यज्ञिक कार्यों का कर्मकांडों का अध्ययन नहीं करते थे वो जो है क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। जो यज्ञिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते थे उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। इसमें आरण्यक है। आरण्यक क्या है? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें अरण्य कहा गया, क्योंकि अरण्य माने होता है जंगल, और जंगलों में पढ़े जाने के कारण इनको जो है अरण्य ग्रंथ कहा गया। और इनकी कुल 7 अरण्यक उपलब्ध है। कितने अरण्यक उपलब्ध हैं? इनकी संख्या 7 है, 7 अरण्यक उपलब्ध हैं। अब अगला है आपका उपनिषद। अगला कौन है? उपनिषद। अगला है उपनिषद। उप का अर्थ है समीप, उप का अर्थ होता है समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना, अर्थात समीप में बैठना ही उपनिषद है। समीप में बैठना ही क्या है? उपनिषद है। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठ कर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। जो ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांग भी कहा गया है। उपनिषदों को ही वेदांग कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत कहा गया है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आइडियल जो है क्या कहा जाता है? मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। सत्यमेव जयते। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। वेदांग, वेदांग क्या होते हैं? वेदांगों की संख्या 6 है। पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष और छठवां है छंद। ये जो है वेदांगों की संख्या है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ का ग्रंथ कल्प नामक 2 वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कल्प का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में कल्प का वर्गीकरण किया गया है। इसमें स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम बताता है। ग्रह सूत्र यह जो है लौकिक साहित्य, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। धर्म सूत्र जो है धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। धर्म सूत्र से ही स्मृत ग्रंथों का विकास हुआ है। धर्म सूत्र से ही स्मृत ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृत ग्रंथ हैं मनु स्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत, पराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति।
मन स्मृति को भारत की प्रथम कानूनी पुस्तक माना जाता है। मन स्मृति जो है भारत की प्राचीनतम कानूनी पुस्तक है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार या टीकाकार हैं मेधातिथि। एक विद्वान थे जिन्होंने मनुस्मृति पर टीका लिखी है। गोविंद राज ने लिखा है, भरुचि ने लिखा है और कुल्लुक भट्टा ने लिखा है। याज्ञवल्क स्मृति के टीकाकार हैं जिनका नाम है विश्वरूप विज्ञानेश्वर तथा अपरातिक है। ये तीनों जो है याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखने वाले हैं। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनी कृत जो है अष्टाध्यायी है। पाणिनी जो है नंद राजा किसके दरबार में रहते थे? नंद राजा महापद्मनंद के दरबार में रहते थे। ये महर्षि पाणिनी और पाणिनी ने ही भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्न करने पर भगवान शिव जो है डमरू बजाते हैं और जो डमरू बजाए डुक 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 की आवाज किए उसी से 14 महेश्वर सूत्रों का उद्भव हुआ और 14 महेश्वर सूत्रों से ही 43 प्रत्याहारों का जन्म हुआ। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसवा से, आपको बता दें लोमहर्ष अथवा उनका पुत्र जो है उग्रसवा को पुराणों का लेखक माना जाता है। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। आपको बता दें भविष्यत काल का मतलब होता है भविष्य में ऐसा होगा। अगर कोई ये कह वर्णन दे रहा है वेद कि मौर्य काल का चंद्रगुप्त राजा है और तो ऐसा नहीं लिखा रहेगा, ये कहा जाएगा मौर्य काल में एक चंद्रगुप्त नाम का राजा होगा, क्योंकि ये भविष्य की बात करता है। इस तरह से भविष्यत शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? भविष्य शैली में लिखा गया है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। सबसे प्राचीन जो है जो पुराण है वह कौन है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है। अब ये ध्यान देते हैं कौन सा पुराण किस राजवंश के बारे में जानकारी देता है या संबंधित है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि ये क्या है। तो आपको बता दें सबसे पहले हम ध्यान देते हैं विष्णु पुराण मौर्यों के बारे में जानकारी देता। प्रश्न पूछता है कि मौर्यों के बारे में जानकारी देने वाला पुराण कौन सा है, तो जान लीजिए मौर्यों की जानकारी देने वाला जो पुराण है वह क्या है? विष्णु पुराण है। मत्स्य पुराण जो है विशेष रूप से आंध्र सातवाहन और शुंग वंश की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? मतलब आंध्र सातवाहन और शुंगों की जानकारी देता है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश की जानकारी देता है। वायु पुराण जो है किसकी जानकारी देता है? गुप्तों के काल की जानकारी देता है। गुप्तों की काल की जानकारी किससे हम प्राप्त करते हैं? वह जो है वायु पुराण से प्राप्त करते हैं। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई।
दो महाकाव्य महत्वपूर्ण है, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 100,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। अब आप सोचते होंगे कि रामायण जो है किस तरह से प्राचीन कला और संस्कृति की जानकारी देता है, तो आपको बता दें निश्चित रूप से रामायण से आप जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में सीता का स्वयंवर प्रथा हुई, इससे यह पता चलता है कि समाज में स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, इससे यह पता चलता है कि समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। और रावण जैसे दुष्ट अत्याचारी जो स्त्रियों का अपहरण करते, उनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया, तो स्त्री का हरण जो है मृत्युदंड के समान माना जाता था। इस तरह की पूरी जानकारी जो है इतिहास से हमें प्राप्त होती है रामायण काल से। महाभारत में देखिए द्रौपदी के 5 पति थे, इससे पता चलता है समाज में जो है बहुपति विवाह भी प्रचलित हो गया था। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में मुख्य रूप से ब्राह्मणोत्तर साहित्य की अगर बात करें तो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध साहित्य शामिल है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक है, त्रिपिटक है। त्रिपिटकों के नाम है स्तुति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें सबसे प्राचीन जो है बौद्ध ग्रंथ है जो है तीनों कौन है, सुत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया एक जो है जानकारी का गूगल पर उपलब्ध एक बहुत बड़ा खोजी सॉफ्टवेयर है जो है किसी तरह की जानकारी देता है इनसाइक्लोपीडिया। तो इसलिए जानकारी देता है किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में इनसाइक्लोपीडिया का काम करता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं, दीप वंश एवं महावंश में से मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र मिलता है। आपको बता दें संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी प्राप्त होती है। अब जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। आपको बता दें महावीर जो है इसके अंतिम तीर्थकर थे। क्या थे, अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचनाएं प्राकृतिक भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परशिष्ट पर्वन है। परशिष्ट पर्वन जो है हेमचंद्रकृत जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6 शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नगर में हुआ था। बल्लभी जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी बन गया था प्राचीन काल में। बाद में लौकिक साहित्य की बात करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक हासिक अर्ध ऐतिहासिक
विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कौटिल्य का नाम ही विष्णुगुप्त, इसका जो है विष्णुगुप्त नाम था और यह बहुत ही प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र को महाभारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कहा जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले कोई भी राजनीतिक ग्रंथ नहीं थे। अर्थशास्त्र मौर्य कालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरिसागर, क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल्लर द्वारा रचित राज तरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों के विवरण, अब इनका महत्व देखते हैं। विदेशी यात्रियों का जो विवरण है इसका महत्व हमारे लिए कितना है, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें यूनानी रोमन लेखक, यूनानी एवं रोमन लेखक टेसियस ईरान का राज वैद्य था। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और भारत फारस के संबंध का उल्लेख मिलता है। हेरोडोटस जो है ये जो है इतिहास का पिता था। क्या था? इतिहास का पिता था। सिकंदर के समकालीन नियारकस आनेसिक्रिटस अरिस्टोबुलस का विवरण अत्यधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना जाता है। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों का बहुत ही बड़ा महत्व है जो यूरोप से भारत में आए। उनमें जो है पहला था, इनमें पहला जो था उसका नाम था, कौन था पहला, जो पहला था उसका नाम था जो है मेगस्थनी, जो सिकंदर के अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो सिकंदर के राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो भारत में भेजा गया। डायमेकस आया, इसके बाद डायनोसियस आया। इनका महत्व है, उल्लेखनीय है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डायमेकस जो है सीरिया नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी ने 2री शताब्दी में ज्योग्राफी नामक पुस्तक भी लिखी। आपको बता दें टॉलमी ने ज्योग्राफी की एक पुस्तक लिखी थी जिसकी परिभाषा है, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यह भूगोल को एक आभामय विज्ञान बताता है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। टॉलमी की ही परिभाषा है। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी की रचना है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधे खनिज पदार्थों भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। जैसा कि नाम से पता, नेचुरल मीन्स क्या होता है, प्राकृतिक चीजें। नेचुरल हिस्ट्री अर्थात जीव जंतुओं वनस्पतियों के बारे में लिखने का पहला प्रयत्न इसका था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद
महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें विश्व का एकमात्र ये महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। यह पहला महाभारत है, पहला महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। इसके पहले और कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया हो। अब इसके बाद देखते हैं पेरी प्रशांत सिंह नामक पुस्तक किस पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देता है। यह यात्रा पर आया था, इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। इसका लेखक जो है जब हिंद महासागर की यात्रा पाया तो उस समय के अनेक भारतीय महाद्वीपों बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का क्या करता उल्लेख करता है। चीनी लेखक की बात करें, चीनी लेखक फायान पांचवी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। इसने तत्कालीन सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। आपका था फायान जो है पांचवी शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया और इसने तत्कालीन सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। सातवीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा और 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नाम से जाना जाता है। ह्वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसको जो है प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इतसिंह सातवीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। सातवान लीन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाउ जक के चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। आपको बता दें ह्वेनसांग ने सी यू की आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सी यू की नाम से भारत का अध्ययन किया। पूछ लेता है कि ह्वेनसांग ने भारत का वर्णन किस नाम से किया है तो आप याद कर लिए सी यू की के नाम से। आप देखते हैं अरबी लेखक। आपको एक बात बता दें, अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है। आपको बता दें 2018 के पेपर में अरबी और चीनी यात्रियों के विवरण को इतिहास में पूछ लिया था, मेंस के क्वेश्चन में पूछा था। अरबी और चीनी यात्रियों के विवरण का महत्व बताइए, ये पूछा था क्वेश्चन। अब देखते हैं अलबरूनी, अरबी लेखकों में अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। आपको बता दें जो ये अलबरूनी था एक बंदी था। क्या था? एक बंदी था, अपराध के लिए बंद किया गया था या युद्ध बंदी था। इसे भारत आने का मौका तभी मिला क्योंकि बंदी के साथ ही आया था। उसने तहकीक ए हिंद अथवा किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें राजपूत कालीन समाज धर्म और रीति रिवाजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अलबरूनी ज्योतिष
गणित विज्ञान अरबी फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। नौवीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्रियों में सुलेमान नेपाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। इसने ही बताया था कि विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल नामक पाल नरेश ने किया था, यह जानकारी यह देता है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में अल मसूदी ने राष्ट्रकूट प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी देता है। यह जो है राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार राजाओं के बारे में जानकारी देता है। अन्य विदेशी लेखकों में इबन बतूता अन्य जो है विदेशी यात्रियों में जो है इबन बतूता ये 14वीं शताब्दी में भारत आया। इबन बतूता अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। इबन बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से जाना जाता है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये जो है इबन बतूता जो है यह आया था जिस समय तुगलक वंश का शासन भारत में था। कब आया था? तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के काल में तुगलकों का जब शासन था उस समय भारत की यात्रा पे आया था। तारानाथ एक किताबी लेखक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर एवं तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश की यात्रा पाया था। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में भारत की यात्रा पर आया था। इसके बाद तो यात्री जो है नहीं रह गए, व्यापारी के रूप में अब यात्री आने लगे। अब जो है थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, बाद में यात्री के रूप में वो आने लगते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो प्राचीन काल में प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रमाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगोजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगोजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अगर अभिलेख किसी के हैं वह अशोक के हैं। बाकी जो है बोगोजकोई का जो अभिलेख है वो बहुत पुराना है और इसमें जानकारी जो है वैदिक देवी देवताओं का मिलता है और 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। मास्की गुर्जरा निट्टर उडगेलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में मिलते हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश के प्रांत से गरुण स्तंभ मिला हुआ है। ये जो हेलियोडोरस जो है तस्सिला का निवासी था और शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लगभग भागवत धर्म के विकसित होने का साक्ष्य मिलता है। सहगौरा, आपको बता दें सहगौरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सहगौरा अभिलेख में सर्वप्रथम दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी मिलती है। यह भी अशोक का अभिलेख था। मंदसौर अभिलेख मंदसौर मध्य प्रदेश में है से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इसमें रेशम को बुनने वाली श्रेणियों का उल्लेख मिलता है।
पर्सिपोलिस एवं बेहस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट द्वारा दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहा जाता है। आपको जान लीजिए, अगर हम अभिलेख पढ़ते हैं, अभिलेखों का अध्ययन का अध्ययन क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरर अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला यह लिखित विवरण है। स्मरणीय तथ्य मतलब याद रखने के लिए ये जो तथ्य हैं ये कौन कौन से हैं आप ध्यान दे लीजिए। आपको बता दें कुछ अभिलेख हैं, उन राजाओं का संबंध बताया गया है। हाथी गुफा अभिलेख ये जो है कलिंग राजा खारवेल का है। कलिंग जो है खारवेल का राजा था और खारवेल जो है कलिंग का राजा था और इसने जो है यह महामेघवाहन तथा जो है चेदी नरेश था। ये जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है और इसमें सुदर्शन झील के निर्माण का वर्णन है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री का है, यह फेमस है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, बहुत फेमस है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है और देवपाड़ा का जो अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन का है। जान लीजिए ऐसे अभिलेख हैं जिनसे बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होती हैं, ये अभिलेख हैं। सिक्कों की बात करें तो प्राचीन काल में सिक्के बनाए जाते थे और सिक्के किसके बने होते हैं उसको देखते हैं हम। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है सिक्कों का अध्ययन। ये सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा चांदी सोना सीसा धातु से बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के थे। आहत सिक्कों को आहत सिक्का क्यों कहा गया? आपको बता दें ये लोहे की चद्दरों को पीट पीट कर बनाए जाते थे। बार बार पीटने के कारण इसमें क्या होता था? कंपन होता था और कंपन होने के कारण ये जो कंपन होता था, कंपन होने पर ये ऐसा लगता था घबरा गया है और घबरा जाने के कारण ही इनको क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया। क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया क्योंकि ये कंपन होता था। और जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के थे इसमें ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें पंच मार्क भी कहा गया। क्या कहा गया? पंच मार्क भी कहा गया है। क्या कहा गया? पंच मार्क कहा गया। पंच मार्क सिक्के होते थे, आहत या पंच मार्क सिक्के इनको कहा गया जाने के कारण भारतीय भाषाओं में आहत मुद्रा भी कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। सातवाहनों ने सीसे के जबकि जो है गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। आपको बता दें सबसे विशुद्ध सोने का सिक्का जो है चलाने वाला शासक था जिसका नाम था बिम कटफिसस।
ये जो है शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। क्या कौन चलाया था? ये शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्मारक भवन आदि से भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इनके बारे में जान लेते हैं हम। भरहुत बोध गया अमरावती मूर्तिकला की में जन साधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अजंता एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। बता दें विदेशों में महत्वपूर्ण मंदिरों में आपको बता दें अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में है। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और यह वैष्णव धर्म के लिए बनाई गई है। अब इतिहास के विभाजन की बात करते हैं तो आपको बता दें इतिहास के जो विभाजन है, प्राचीन इतिहास का विभाजन, प्राचीन भारतीय इतिहास की विशेष सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे क्या किया? तीन भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें किसी प्रकार की लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती है। वह इतिहास क्या है जिसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा गया है? इस इतिहास की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम यहां के उपकरणों हड्डी दांत पाषाण आदि के उपकरणों से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। आद ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है किंतु पढ़ी नहीं गई है, जैसे सैंधव सभ्यता की लिपि। ऐतिहासिक काल में सामग्री लिखित मिली है, पढ़ी भी गई है। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल का कहता है MPS भी लिखता है इतिहास पूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य ज्ञात होता है। इस काल का लिखित साक्ष्य नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार तीन भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। बताइए भीम बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है? चित्र ध्यान देना, पुरा पाषाण कालीन है, पहिए का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का भीमबेटका जहाँ से चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये जो है कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कृषि नवपाषाण काल से पहले का आविष्कार हुआ, पहले का आविष्कार यहाँ पर हुआ। पहिया बना तो पहले का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार ही नवपाषाण काल किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि आग का आविष्कार मध्य पाषाण काल में ही हो गया था। लेकिन आपके पास आपके पास छब्बीस घटा दो चार छब्बीस घटा दीजिए
ऑप्शन बना लीजिएगा आप जेड सी एफ क्लियर जेड सी समझ में आ रही है आपको या नहीं बताइए क्यों पशु पालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ क्यों पशुपालन के साथ भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद कभी कभार क्या होता है आदमगढ़ होशंगाबाद अल्फाबेट्स का कुछ करना ही नहीं होता द्वारा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं ठीक है भाई मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी कभी कभार क्या होता है हुए हैं मानव कंकाल के साथ कुत्ते मानव कंकाल के साथ मर जाने पर उसका 26 पालतू पशु अपना दिया जाता है प्राप्त हुए घर बनाया जाना क्या बोलते हैं गर्त इसमें 12 कर दूंगा तो 32 बन जाएगा बोलते हैं गर्त में घर बनाया जाता था अच्छा गुड मॉर्निंग को कैसे लिखते हो आप शॉर्ट फॉर्म में ये प्राप्त हुए आज ऐतिहासिक काल की बात करते हैं कितना ऐड हो रहा है प्लस आज ऐतिहासिक काल जब सभी में प्लस प्लस 3 ऐड हो रहा है ऐतिहासिक काल में पूछ रहा था विकास की पांच को पढ़े में तीन में 3 ऐड किया 6 हो गया पांच में 3 ऐड किया 8 हो गया 3 ऐड किया इतिहास की जानकारी पर क्या होता है 8 पर क्या होता है एच होता है क्या होता है हड़प्पा सभ्यता लोहित मेधभांड संस्कृत है उसका पता चल जाएगा भाई इसका मतलब तो 26 का 26 है आपको 26 का 26 26 हटा दो 3 आ जाएगा फिर इसमें से 26 सेपरेट कर दो ऐतिहासिक काल तो क्या आ जाएगा भाइयों ये 6 इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक पुरातात्विक विदेशी यात्रियों के विवरण का वर्णन मुख्य रूप से स्रोत माना जाता है अध्ययन आप उत्तर कर चुके हैं हो जाएगा 26 पर क्या होता है ताम्रपाषाण काल ताम्रपाषाण काल क्या एफ और अब इतिहास जानने के स्रोत के रूप में ताम्रपाषाण काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं कहीं पर है क्या है नहीं है मेरे भाइयों जब नहीं है तो फिर इसको में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों के साथ भाई ए का साथ साथ प्रयोग किया जिस काल को ताम्रपाषाण काल अथवा जीसोलिथिक काल चारकोलिथिक काल जिसको चारकोलिथिक काल भी बोलते हैं और एक चीज ध्यान दो 22 पर है इसमें से भी जे 10 पर होता है 12 तो सभी पे मेरे भाई प्लस 12 ऐड हो रहा है तो हम 12 ऐड ही तो करेंगे तो मेरे पास भाई ये ऑप्शन बन के आ जाएगा जेड सी एफ का प्रयोग जेड सी औजारों को बनाने में किया गया था इस काल में भारत में ताम्रपाषाण काल अवस्था के मुख्य क्षेत्र भाई इसमें मेरे पास राजस्थान का आहार एवं गुलंद पश्चिमी मध्य प्रदेश का मालवा कायथा और एरन इसमें 23 महाराष्ट्र हो जाएगा 35 तथा दक्षिण पूर्व भारत लेकिन है आपके पास अल्फाबेट 26 ही होते हैं मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड 26 से ज्यादा तो बता नहीं पाओगे तो 26 से ज्यादा बताने के लिए उसका 26 से ज्यादा अल्फाबेट आए आहार का प्राचीनतम नाम एक राउंड था आहार का प्राचीनतम नाम आहार एक संस्कृति है पूछे छब्बीस मालवा और आहार ये सभी तीसवें नंबर पर क्या अर्थात तांबावली बात क्लियर हुई जगह पर यह है महाराष्ट्रों को उसमें छब्बीस घटा दीजिएगा कहा जाता था यह जानकारी मिलती है समझ में आई या नहीं आई तो ये ऑप्शन बनाया हड़प्पन हमने का प्रभाव दिखाई देता है जेड सी एफ आई ठीक है भाइयों अब ध्यान देना आगे की तरफ अब ध्यान देना सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकू पर बने काले एवं लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे सबसे बड़ी ताम्र विधि मध्य प्रदेश
गुंगेरिया से प्राप्त होती है। मनुष्य द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातु का प्रयोग किया गया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, फिर कांसा का प्रयोग किया, फिर लोहा का प्रयोग किया और फिर आधुनिक लोहे का प्रयोग तो ये आपका जो है अभी तक का इतिहास था। इसके बाद जो है हम लोग जो है अगले क्लास में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कहीं यूज हो रहा है, आप जो है अपने क्लास को देखें, रिवीजन करें, हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अपनी जानकारी और ज्यादा कि देखो ये बीच वाला था। जय हिंद वाला है। मिलते हैं यूपीएससी। अब यहाँ पर एसई टी यूपी इसने